आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और हम लोग तो अभी उठ के नाश्ता कर चुके हैं। सब लोग यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं टीवी। कौन सी मूवी देख रहे हैं? मैं मेरी पत्नी और वो मूवी यहाँ ये देखिए। और यहाँ पे सब लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। आज था मसाज डे। आज मैंने घर में सारे जेंट्स का, नितिन की, जिद्दा की, अंकुर की, मौसी की और अपनी मसाज की, मसाज मैंने की। सबसे पहले मैंने बेसन और हल्दी और दही को मिक्स करके चेहरे पर उपटन की तरह लगाया और 10 मिनट छोड़ दिया। उस बाद उसको आराम से स्क्रब के रूप में मसाज की। उसके बाद हमने लगाया अंकुर, उसके बाद क्या लगाया था, हाँ, क्रीम से किया मसाज 10 मिनट। उसके बाद थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी, उसके बाद थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी में डाला शहद, उसमें फिर डाला थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें डाला थोड़ा सा एलोवेरा जेल और बनाई, अच्छा सा पेस्ट बनाया और वो फिर हमने सबके मुंह में लेप की तरह लगाया और 10-15 मिनट रखकर फिर उसको धो लिया। तो वो हो गया बेस्ट मसाज आज घर में। सबके चेहरे चमक रहे हैं क्योंकि आज सब लोग जाएंगे प्रोग्राम में। आज है प्रोग्राम इंदिरापुरम में, और इंदिरापुरम में जो प्रोग्राम है, पहाड़ी प्रोग्राम है, उसमें आ रहे हैं मशहूर स्टार लोक गायक इंदर आर्या जी। तो इंदिरापुरम में तो दे रखे कौन, जो अभी शादी हो में आया। अच्छा अच्छा, इंदर आर्या जी हैं, रोहन भारद्वाज जी हैं, करिश्मा शाह हैं, राकेश पनीरू जी और मैं हूँ। तो हम लोग सब मचाने वाले हैं धमाल इंदिरापुरम में। तो आप सभी जो भी देख रहे हैं ब्लॉग के माध्यम से आनंद लेंगे प्रोग्राम का। और मौसी ने बना ली है चाय और मौसी ने आज मैं बनाए आलू के पराठे। और देखिए वैदु क्या कर रही है। वैदु क्या है ये? नेल पॉलिश। वाओ, दिखाओ वैदु ने, ये उल्टा पहना रखा है वैदु को। और आए हैं अंकल, ये हैं अंकुर के ससुर जी और हमारे प्यारे से अंकल। और अंकल इतना सारा सामान लेके आए हुए हैं खाने का और लड्डू, क्योंकि अंकल की शादी में गए हुए थे तो वहां से आए, तो जितना भी हमारे लिए लेके आए हैं हमने आते ही वो डब्बा खाली कर दिया है। उसमें थे मठरी, है ना, मठरी मठरी लड्डू, पता नहीं क्या क्या। तो आइए, सबसे पहले तो मैं नहा चुकी हूँ और उसके बाद अभी मैं सोच रही हूँ कि आज शनिवार है तो सामने एक शनि बाबा का मंदिर है, तो मैं वहाँ जाने की सोच रही हूँ, आपको भी दर्शन कराऊंगी शनि बाबा के। अभी पहले मैं पीती हूँ चाय, क्योंकि नहाने के बाद अगर गर्म गर्म अदरक की गुड़ वाली चाय मिल जाए तो अलग ही मजे हैं। ये है गुड़ और ये है चाय। वाह वाह वाह, मौसी ने चाय में डाली है अदरक, दालचीनी और भी कुछ है मौसी? काली मिर्च, इलायची, काली मिर्च डाली है और बेहतरीन चाय बनी है। तो हम अंकल से गपशप करते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं आपको ब्लॉग के माध्यम से। कप देखिए, इस कप में मौसी और चाचा का कॉम्बिनेशन है। असल में ये जो पेयर है, ये इनसे मेरे दो रिश्ते लगते हैं। ये जो चाची है यानी कि मौसी, और वो जो है वो है चाचा, यानी कि पापा के भाई और मम्मी की बहन दोनों, हाँ, पेयर हैं। तो यहाँ इस घर से मेरे दो रिश्ते लगते हैं। तो पीते हैं चाय, बने रहे हमारे साथ। मैं तो कुछ कहना चाहती हूँ, हाय कह दो सबको, हाय बोलो, डांस करके दिखा दो, मंदिर चले, बोलो शनि बाबा की जय। तो रावी कैसा करती है? मा, 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 मा। बोलो रावी, आओ बुलाओ रावी को, बुलाओ रावी को, बुलाओ रावी, आ जाओ बोलो। वैदु को मक्खी ने परेशान करेगा। वैदु मार रही है मक्खी, वैदु मारो। करो यहाँ पे कर, ये पोटली यहाँ पे कर। अरे वाह, अरे वाह,
वैदू और मम्मा जा रहे हैं अभी शनि बाबा के दर्शन करने के लिए, और वैदू ने नहा धो के वैदू तैयार हो गया है, और वैदू ने कितना अच्छा ड्रेस पहन रखा है। वैदू बोल दो सच्चे दरबार की छूज। वैदू ने छूज भी पहन, वाह। मम्मा का अच्छा, यहाँ बोल दो शनि बाबा की। कान में तो मम्मा ने कुछ भी नहीं पहना, अभी पहनेंगे चूड़ी। मम्मा ने चूड़ी पहनी। वैदू बोलो यहाँ देखो। अच्छा सुनो, चले चलो शनि बाबा की, चलो फिर चलो अब चल। मन लेके आया माता रानी के भवन में, क्या हुआ क्या हुआ बेटा, आओ उठो, आजा, आना, मामा को बुलाओ। वैदू मामा ऊपर बोलो, आओ मामा, आओ आजा यार, बुला रही हो, बोल मामा आओ। हम जा रहे हैं शनि बाबा के मंदिर। पहले वो ऑनलाइन क्लास चल रही थी, लेकिन वो 40-50 बच्चे जो हैं ऑफलाइन लेते हैं, पता नहीं अब उन्होंने कराया है नहीं पढ़ाया। बाकी ऑनलाइन में तो मुन्नाल सर हैं, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं। चलो मंदिर को चलो, मंदिर रुको, आराम से चलना, पानी हो रहा है इसमें, यहाँ आओ इधर आओ, यहाँ यहाँ पे खोलो, यहाँ पे खोलो, आओ यहाँ पे खोलो, यहाँ इधर, पहले पहले यहाँ जूते खोलो, जल्दी आओ। खोलो जल्दी, खोलो जूते खोलो। स्वयं वैदू जूते खोलती है अपने, एक्साइटेड हो गई मंदिर देख के बहुत ज्यादा। बोलो सच्चे दरबार की। कौन है कौन है? हाथी। ई फॉर एलिफेंट। पंडित जी के पैर छो, जल्दी जाओ पंडित जी के पैर छो, वहां पैर छो पंडित जी के, प्रसाद देंगे, जल्दी जाओ, चॉकलेट देंगे, जल्दी आओ, मैं जाती हूँ फिर।
जय हो पंडित जी की जय। क्या नाम है? वैदेही। नाम बताओ। पियो 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 हाँ तो रही ये लो हाँ ये लो। वैदेही नाम। वैदेही बाबा को खिला दो। ये शनि बाबा के मंदिर को जाता हुआ रास्ता। वैदी शनि बाबा के दर्शन करने के लिए आ रही है। चलो ऊपर ऊपर शनि बाबा है ऊपर। बोलो शनि बाबा की। ओम शनिश्चराय नमः। बोलो ओम शनिश्चराय नमः। जल्दी प्रेम बना के रखना प्रभु। जय हो शनि बाबा की जय जयकार। बाबा वैदेही पर अपनी कृपा बना के रखना। वैदु आपको बहुत प्यार करती है। वैदु आपको बहुत याद करती है। वैदु आपकी जय जयकार करती है। बोलो शनि बाबा की जय जय। चढ़ा दो बाबा आपकी जय जयकार हो। चलो अब चलो जय हो बाबा। फिर आएंगे बाबा से मिलने बाद में। जय जय हो बाबा। ये ग्रह है ना, ये नौ ग्रह है। बोलिए नौ ग्रहों की जय। चलो अब हमने कर लिए हैं दर्शन शनि बाबा के। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो यहाँ पे जरूर आती हूँ दर्शन करने, क्योंकि ये बहुत ही सिद्ध धाम है। साक्षात रहते हैं, ये मेरा अपना अनुभव है। हाँ घंटी चलो आओ छूज पहनो छूज। अब नहीं कल आएंगे, कल आएंगे। बाय कर दो। सबसे बाय कह के आ रही हो। बाय कहो भगवान जी से। कह दिया बाय, वहां बाय कर दो।
थैंक यू, कर दो प्रसाद चोर पिला रही है। हाँ डांटेंगे, जल्दी 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 दौड़ के आप। प्रसाद लेके आ गया, तू चोर क्या है प्रसाद? वेदू प्रसाद चुरा तूने? तो वेदू ने चुपके से चोर लिया प्रसाद, और किसी ने पंडित जी ने देख के अनदेखा कर दिया उसको, और वेदू प्रसाद चोरने की बात कर रही है ऐसे। प्रसाद तो प्रसाद है और भगवान के रूप होते हैं बच्चे। अब चलते हैं घर की ओर, क्योंकि अभी हमने निकलना है प्रोग्राम के लिए। अब हो जाती हूँ मैं रेडी। बड़ा मन हल्का होता है मंदिर में आके, खासतौर पर शनि बाबा के दर्शन करके, क्योंकि शनि बाबा को राखी बांधती हूँ, भाई माना है। तो चलिए चलते हैं प्रोग्राम में। वैदु ढोल को उसका मामा ला रहा है कंधे में। अंकु ढोल का अंक प्रसाद दो बेटा, जल्दी दो प्रसाद दो। क्यों मौसा जी को प्रसाद दो जल्दी।